हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हाउ एक्सपेरिमेंट में। और आज की वीडियो में आपको एक सोडियम मेटल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, आप एक स्टूडेंट हो या आपको एक्सपेरिमेंट का काफी ज्यादा शौक है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट काफी अच्छे लगे और आप अपने कॉलेज या स्कूल प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सको और आपको इस पर काफी सारे प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट दिखाई देंगे इस चैनल पर। तो अभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये होता है सोडियम मेटल। ये पानी में जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। और ये केरोसिन में डुबो के रखने से मॉइस्चर से बचा रहता है। हमारी हवा में भी काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है जिससे ये काफ़ी जल्दी जल्दी से जलने लग जाता है और ये काफ़ी जल्दी ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। और इसको हाथ में लेते वक्त भी आपके हाथ में जो मॉइस्चर होता है उससे ये रिएक्ट करके अपने आप जल जाता है, इसलिए आपको हाथ पर केरोसिन लगाकर या फिर वेसलिन लगाकर या ग्लव्स पहनकर ही इसको उठाना चाहिए, वरना इसको हाथ ना लगाए आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी यानी कि ख़राब हो जाएगी। तो इसको हाथ टच ना करें अपने ग्लव्स के बिना। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जलने पर कैसा होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है ये एयर में भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ये एयर में खुला छोड़ देंगे तो भी ये जल जाएगा। ये मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाकू की सहायता से काट सकते हैं। और मैं अभी आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने मेटल को निकाला यहाँ से। तो दोस्तों, अभी हमने सोडियम मेटल को अपने हाथ में ले लिया। आप देख सकते हो इसके ऊपर अभी व्हाइट कलर की या अजीब सी लेयर जमी हुई है जो ग्रे कलर की है, और इस पे ऑक्साइड की लेयर लगातार जमती रहती है क्योंकि हमारे एयर में जो मॉइस्चर होता है उससे ये रिएक्ट करता रहता है और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत लगाता रहता है। अभी मैं इसको आपको बेंड करके दिखाता हूँ ये कितना सॉफ्ट होता है। इसको हम हाथ से आसानी से बेंड कर सकते हो क्योंकि ये मेटल है तो भी ये बेंड हो जाता है। अभी हम इसको चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। ये चाकू की सहायता से भी काफ़ी आसानी से कट हो जाता है, ये मेटल है तो भी कट हो जाएगा। और इसका शाइनी सरफेस आप देख सकते हो, पूरा मेटल वाला इसका लुक है। इसमें से भी हम करंट को पास कर सकते हैं और इसका लुक स्टील जैसा दिखता है अंदर से, पर ये काफ़ी सॉफ्ट है। और इसको हम केरोसिन में डुबो के रखेंगे और इसमें ऑक्साइड की लेयर जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक मिनट के अंदर या एक मिनट से भी कम समय में ऑक्साइड की लेयर इस पर वापस जम चुकी होती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पानी में इसका रिएक्शन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने सोडियम मेटल को काटा था जिसका शाइनी सरफेस था स्टील जैसा, तो अभी एक मिनट के अंदर फिर से ये पूरा वाइट हो चुका है, चमकना बंद हो चुका है। तो अभी हम इसको पानी में डालेंगे और देखेंगे इसमें क्या रिएक्शन होता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। और घर पे आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें इसको। इसको ट्राई करने के लिए मैं हूँ, आप मेरा वीडियो देख सकते हो मुझे सब्सक्राइब करके। तो अभी हम इसको पानी में डालते हैं। तो आप देख सकते हो पानी में ये उबल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बबल्स जैसे हो गया और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो काफ़ी ज्वेलनशील गैस होती है। और इस पर हम कुछ चीज़ फेंक देंगे तो ये ब्लास्ट हो सकता है, फूट सकता है। तो अभी मैं आपको कुछ फेंक के दिखाता हूँ इसके ऊपर। तो आपने अभी अभी देखा ये ब्लास्ट हो गया और ये फूट गया और साइड में इसके जो छींटे गिर गए ये दोबारा से जमकर सोडियम मेटल बन चुके हैं। तो मैं अभी इसको वापस उठा के इसके अंदर डालता हूँ। तो ये जमीन पे उछलने के बाद पपड़ी सी बन गई है और दोबारा से सोडियम मेटल बन गया जमकर। तो अभी हम इसको पानी में डालेंगे तो दोबारा से लिक्विड बन जाएगा और उबलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा एनएल का एक्सपेरिमेंट यानी कि सोडियम मेटल का एक्सपेरिमेंट? आई एम श्योर अच्छा ही लगा होगा। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए एक्सपेरिमेंट की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके और आप सबसे पहले अच्छा सा एक्सपेरिमेंट देख सको हाउ एक्सपेरिमेंट में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।